काउंसिल ऑफ किंग एक ऐसी सभा जो किंग के अलग अलग विचारों को आकार देती है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना, पर ऐसा ही है। अब मार्वल कॉमिक को ना छेड़ते हुए अपन लोग सिर्फ बात करेंगे एमसीयू के लॉजिक के हिसाब से इस काउंसिल ऑफ किंग की। तो हम सब ये तो जानते ही है कि काउंसिल ऑफ किंग में सबके सब किंग के ही वेरिएंट है। और एवेंजर्स एंडगेम को वॉच कर और लोकी को देख कर हम होशियार को ये तो पता ही है कि वेरिएंट्स कैसे बनते हैं। और तो कुछ मल्टीवर्सर के भी वेरिएंट्स होते हैं, जैसे स्पाइडरमैन में 3 स्पाइडरमैन कॉर्नर जो एग्जिस्ट तो करते हैं मल्टीवर्स में, पर अभी सिर्फ ध्यान देते हैं एंडगेम और लोकी के लॉजिक के हिसाब से बनने वाले वेरिएंट्स की। तो जो अपनी मासी का लड़का केंग है, बड़ा शरारती व्यक्ति है, समय के साथ खेलता है, और जो अपना ज्ञान जाड़ू हल्क है, तो इन अंकल का मानना है कि समय में यात्रा करने से अगर तुम भूतकाल को बदलते हो तो तुम्हारा भविष्यकाल नहीं बदलेगा, बल्कि तुम एक अलग ब्रह्मांड बना दोगे जहां तुम्हारा भूतकाल को बदल देने का असर होगा। पर ये जो केंग है इसने कर दी प्रोफेसर साहब की क्लास बंक, सीधे तौर पर तड़ी मार गया ये मुफी को बताना होगा। फिर क्या, किंग टाइम में ट्रेवल करता गया और करा तो करा अपनी संभावनाओं को भी वो बदलता गया। टेस्ट में 0 लेकर आया, पास्ट में गया और सेम पेपर कॉपी करके 100 ले आया। 2 पॉसिबिलिटी बन गई, एक में 0 दूसरे में हीरो। इसकी माँ से पिटा तड़ी मारने वाली बात पर, तो ये पास्ट में गया और प्रोफेसर हल्की की क्लास अटेंड करी। फिर 2 पॉसिबिलिटी बना दी, एक में मौसी से जूते खाए वहीं दूसरी में हलवा खाया। पर एक मिनट रुको, अगर इसने प्रोफेसर हल्की क्लास अटेंड कर ली तो ये भी जान गया ना भूतकालम भविष्यकालम नया यूनिवर्स बना डालम। तो भाई यहीं से इसकी पिक्चर फोटो हुई। अब क्योंकि किंग ने हर छोटी छोटी बात पर टाइम ट्रेवल किया है, तो जिस बात पे ये प्राइम टाइम के किंग को पिटना था उस मूवमेंट में इसका कोई और वेरिएंट पिट गया। और क्योंकि पिटने वाला भी किंग ही था तो वो भी टाइम ट्रेवल करेगा और इससे और भी किंग आएंगे, वो भी बेहतर टाइम में हाथ धोएंगे, तो इससे क्या होगा। अब सभी किंग ने अपनी अलग अलग नियति को चुना है, जैसे कोई पास हुआ तो वहीं कोई दूसरा फेल हुआ, किसी ने माफी से चप्पल खाई तो किसी ने माफी के हाथ की खीर खाई। अबे अभी तो ये हलवा खा लिया था। हाँ तो भाई वो ना किंग का दूसरा वेरिएंट था। तो अब किंग की अलग अलग नियति के कारण हर एक किंग अपने अलग अलग रास्ते जाएगा, कोई बनेगा रामाटूट तो कोई बनेगा स्कारलेट सेंचुरियन, है ना। पर वो जो अपना किंग था जिसने की ज्ञान झाड़ू हल्के की क्लास को मिस नहीं किया, वो बनेगा इमोर्टस किंग। अब किंग ने हर बार टाइम ट्रेवल करके अपने कई सारे अनगिनत रूप तो बना लिए, पर किंग के टाइम ट्रेवल करने का मेन रीजन क्या है, क्लास का टॉपर बनना नहीं, स्कूल की तड़ी मारकर मूवी देखने जाना ये भी नहीं, अपनी मम्मी की चप्पल खाने से बचना, रुको ये रीजन तो है पर इससे बड़ा भी एक रीजन है और वो है दुनिया जीत लेना। अब भी वही चाहिए जो 20 साल पहले चाहिए था दुनिया। अब देखो यार किंग के पास पावर है तो वो अपने से नीचे लोगों को तो नीचे दिखाएगा ही ना। अब किंग को कॉन्करर की भूख तो है, पर जब भी उसे लगता है कि भाई अब तो अपन हार चुके निकल लो यहाँ से, तो किंग टाइम ट्रेवल करके वहाँ से निकल लेगा और पीछे रह जाएगा उसी का वेरिएंट, क्योंकि फिर से उसने अपनी पॉसिबिलिटी को बदल लिया। अब किंग के कई सारे वेरिएंट है तो कई सारे अलग यूनिवर्स भी होंगे, कई सारी अलग पॉसिबिलिटी भी बनी होगी, तो इससे हुआ यूं कि मल्टीवर्स की रेखाएं आपस में टकराने लगी, असंतुलन के कारण अतिक्रमण हुए, कई सारे किंग तो खीर खाते खाते ही मिट गए। और वो किंग जो भी मोटर्स बन चुका है सही से पढ़ लिख कर, उसे भी पता है ये सब तो होना ही है और अब उसके यूनिवर्स पर भी अतिक्रमण का खतरा है, और ये सब तो साइड में चल ही रहा है, पर जो बाकी और किंग के वेरिएंट्स है वो तो आपस में ही गेड़ियां मार रहे हैं, एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं एक दूसरे के यूनिवर्स पर कब्जा करने के लिए, और तो कुछ लड़ाकर मर भी गए। तो इमोटर्स ने समझदारी दिखाकर अपनी ही एक सभा बनाई, अब इस यूनिवर्स का विकास होगा, हर किंग इमोटर जैसा महान होगा। तो इस किंग की सभा का नाम पड़ा काउंसिल ऑफ किंग, जहाँ ये अपना प्राइम टाइम का किंग समझौता कराएगा उन किंग की इनके आपस में रंजी से चल रही है। और इस काउंसिल का सबसे बड़ा काम है उन यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस को मिटाना जिससे अतिक्रमण हो सकता है। सीधे तौर पर ये इमोटर्स पूरे मल्टीवर्स को सेफ करके रखता है अपने बाकी बिगड़े वेरियंट से, और अभी तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा है एमसीयू के हिसाब से एमसीयू के यूनिवर्स में। सारे किंग इमोटर्स की बात मान रहे हैं, आपस में नहीं लड़ा रहे, भाइयों जैसे रह रहे, ये चोमो किंग क्वांटम रियल में फंसा हुआ है, और जैसा कि मैंने बताया हम कॉमिक को नहीं छड़ेंगे, तो इस काउंसिल ऑफ किंग का आगे क्या होगा राम जाने, इस पर बात हम थ्योरीज लगाकर करेंगे या लोकी के सीजन 2 में देखेंगे सिल्वी के साथ। खैर बस अब अपनी माफी के लड़के के साथ मूवी भी देखने जाना है, शहजादा और बाय। वरमाला सॉरी तेरा माला सचिन ऑल द बेस्ट।